दोस्तों एक कूलर की किट है, इसकी प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये जो है ना वर्क नहीं कर पाती, यानी कि मोटर पूरी तरह से घूमती है और हवा नहीं दे पाती, यानी कि फुल स्पीड पे। दोस्तों सर कैपेसिटर चेंज करके देखा तो इसमें कोई सुधार नज़र नहीं आया, यानी कि ये चल नहीं पाई फिर भी। अब इसका फाइनली मोटर को हमें ओपन करके देखना होगा कि प्रॉब्लम है क्या, जो मतलब इस तरीके से ये वर्क नहीं कर पा रही है। सबसे पहले इसके चारों पेंच कि देख पा रहे हैं आपके मोटर की माइंडिंग बिल्कुल फ्रेश है, फिर भी इसके जो है टर्न बन नहीं पा रहे हैं, यानी कि इसके आरपीएम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वजह क्या हो सकती है कि जो आरपीएम इसके पूरे नहीं हो पा रहे हैं उसको, अब इसको जो है ओपन कर लेते हैं। इसका न्यूट्रल पॉइंट हमें अलग करना होगा तभी पता चल पाएगा। तो पहले इसके कॉटन धागे को कट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका न्यूट्रल पॉइंट हमें अलग करना होगा, जिससे हमें पता चल पाएगा कि इसकी वाइंडिंग शॉर्ट है कि नहीं है। इसके इसका न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल अलग कर लेते हैं। हमें पहले ये देखना होगा कि न्यूट्रल पॉइंट है कौन सा वाला। दोस्तों ये तो शायद रनिंग वाला लग रहा है, जैसे ये रनिंग वाली वायर है और ये न्यूट्रल वाली पॉइंट है। ये न्यूट्रल पॉइंट ये होता है कि एक ये रनिंग वाली वायर है और ये के स्टार्टिंग वाली कॉइल की वायर है, ये बन जाएगा न्यूट्रल। दोस्तों एल्युमिनियम की बाइंडिंग है इसकी, इसको अलग करके देख लेते हैं पूरी तरह से। दोस्तों न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल अलग हो चुका है, अब हमें मल्टीमीटर उठाना होगा। मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। दोस्तों कंटिन्यूटी मीटर की सुई, दोनों आपस में टच करते हैं कंटिन्यूटी मीटर की सुई। दोस्तों कंटिन्यूटी से इसे चेक कर लेते हैं, तो ये कंटिन्यूटी यानी कि मीटर की सुई इस पर उठ रही है, तो यानी कि शॉर्ट है, रनिंग से स्टार्टिंग शॉर्ट है, तो इसमें चेक करना होगा रनिंग से स्टार्टिंग। वाइंडिंग बिल्कुल साफ लग रही है और इसमें जो है एक ये वाली वायर, ये रनिंग की यानी कि सॉरी स्टार्टिंग की वायर है जो जम्पर की है। दोस्तों ये इधर इसमें लगी हुई थी, यानी कि ये रनिंग वाली वायर कॉइल्स के ऊपर रखी हुई थी, तो यहाँ पे हल्का स्पार्किंग करके इसमें शॉर्ट हो रही थी, जिस वजह से इसमें आरपीएम इसका नहीं बन पा रहा। तो इस वायर को हमें इसके अंदर कर देना है, यानी कि जितनी भी वायर इसकी बाहर की साइड पर है इस सभी वायर हमें अंदर कर लेंगे। एक भी वायर रनिंग वाली वायर को ऊपर नहीं जानी चाहिए और एक भी वायर रनिंग वाली वायर को ऊपर नहीं जाएगी, तो बिल्कुल सेफ रहेगा। दोस्तों ये वायर हटाने के बाद अभी से चेक करते हैं, तो ये मीटर की स्विच को जो है नहीं उठ पा रही है, यानी कि अब बिल्कुल ठीक हो गया है। दोस्तों ये जो है हमें सारी वायर से इधर से उनको सेफ इधर रखना है, ताकि एक भी वायर किसी दूसरी वायर के ऊपर टच ना हो। ऊपर टच होगी तो प्रॉब्लम पड़ेगी, अभी भी वो गर्म हो गया है, शॉर्ट हो सकती है। अब जैसे फिर से कनेक्शन वायर के लिए हमें कर देना है और वापस इसको जो है धागा इस पर लपेट देना है।
धागा बन के एकदम फाइनल है। अब इसे फिटिंग कर लेते हैं और इसे साफ करके रखना होगा। तो ये निशान इसका, ये वही जो निशान हमने लगाया था इसमें, यही निशान पर रखना है इसे। और ये दूसरा कवर भी इसका ऐसे ही लगा देना है। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों हम इसको ओपन किया है, तो इसमें थोड़ा सा मोबिल भी हमें डाल देते हैं। दोनों बूश के नंबर में मोबिल डाल देंगे ताकि ये सूखा जो चल रहा होगा तो ये सूखा भी इसकी दूर हो जाएगी। करते हैं तो इसकी फिटिंग, और ध्यान रखना है कि जहाँ निशान लगाया हुआ था वहीं पर इसकी फिटिंग कर लेंगे ताकि हमारा कवर जो है एक भी कवर इसका ना घूमे। चारों पेंच लगा रहे इसकी फिटिंग कर लेंगे पूरी तरह से। दोस्तों कवर के जो है इसे चारों नटों को हल्का हल्का टाइट करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना क्योंकि कवर बहुत मुलायम होते हैं। इसके कवर जब मुलायम होते हैं तो ये जो है मुड़ जाते हैं दोस्तों, जो मुड़ना से बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है, यानी कि रोटर फिर आउट बैलेंस हो जाता है तो फिर ये घूम भी नहीं पाता है, जाम होता है। अब ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है, यानी कि इसको हमने धीरे धीरे टाइट किया, ज़्यादा टाइट नहीं किया है, ज़्यादा टाइट करने की जरूरत भी नहीं होती दोस्तों। हमें थोड़ा थोड़ा टाइट करके यानी कि सांस लेते हैं ताकि ये बीच होकर ना खुले। मोटर यानी कि बिल्कुल अब टन से चल रही है दोस्तों। अभी इसका जो आरपीएम का डाउन हो रहा था वो बिल्कुल 100% इसका आरपीएम बढ़ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाफिज़, बाय बाय। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को कर दे लाइक, और चैनल पर आप नहीं आए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन के द्वारा। आपका इसमें पार्ट रह गया हो या कुछ आपसे मिसिंग होता मुझसे कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।